संसद का बजट सत्र तय सीमा के दिन पहले गुरुवार को समाप्त हो गया है। बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी की विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी और सोनिया गांधी की इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी सोनिया जी को देख खुश नहीं हुए। इसी तरीके के एक अन्य यूजर ने कहा, मोदी जी प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। जबकि दूसरे ने कहा, जब किसी राजनीतिक दल का नेता आपसे मिलने आता है और नमस्ते कहकर आपका स्वागत करता है तो आप क्या करेंगे। पीएम मोदी से जिन नेताओं ने मुलाकात की उनमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह, टीआर बालू, फारूक अब्दुल्ला, अधीर रंजन चौधरी शामिल रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तमाम दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गयी। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने, चर्चा संवाद के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। आशा है सभी दल इसमें सक्रिय सहयोग करेंगे। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक 8 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन इसके एक दिन पहले ही सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। इस सत्र में 27 बैठकें हुई और सदन की कार्य उत्पादकता 129% रही। इससे पहले गुरुवार को सुबह सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान सदन की बैठकें लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली। इस दौरान 182 अंतराकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।